30 साल की उम्र के बाद हर साल महिलाओं के अंदर बच्चे होने की संभावना गिरना शुरू हो जाती है। मैं डॉक्टर बालाजी नलवाड, लेप्रोस्कोपिक सर्जन एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ गायनेकोलॉजी मणिपाल हॉस्पिटल बानेर पुणे, आज हम महिलाओं में होने वाले बांझपन यानी इनफर्टिलिटी के बारे में बात करेंगे। जब पति और पत्नी एक साल तक साथ में रहते हैं और बच्चा नहीं हो पाता है तो उसे हम इनफर्टिलिटी या बांझपन कहते हैं। एक साल साथ में रहने का मतलब जब 12 महीने तक पति पत्नी साथ में होते हुए ओव्यूलेशन टाइमिंग और फर्टाइल पीरियड की जानकारी रखते हुए ओव्यूलेशन के समय पे शारीरिक संबंध बनाने के बावजूद एक साल तक बच्चा नहीं हो पाता है तो उसे हम बांझपन या इनफर्टिलिटी कहते हैं। WHO के अनुसार विश्व भर 8-10% और भारत में लगभग 25% कपल्स में इनफर्टिलिटी या बांझपन का इशू है, जिसके लिए उनको बच्चा पाने के लिए कोई ना कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इतने बड़े नंबर में होने वाले महिलाओं में बांझपन के कुछ कारण होते हैं, जैसे कि पहला और इम्पोर्टेंट रीज़न है एजुकेशन, जॉब और करियर के कारण महिलाएं लेट मैरिजेस करती है और उसके कारण प्रेगनेंसी प्लान भी देरी से करती है। उम्र के साथ साथ अंडों की संख्या और उसकी क्वालिटी यानी गुणवत्ता में कमी आ जाती है। दूसरा कारण ओव्यूलेशन ना होना, जैसे कि मोटापे के कारण, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या फिर एंडोमेट्रियोसिस या फिर कोई हार्मोन के इम्बैलेंस के कारण ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है। तीसरा कारण होता है वेजेनिस्मस, जिसमें टाइट वजैना होने के कारण या फिर कोई साइकोलॉजिकल इश्यू के कारण पेनिट्रेटिव सेक्स नहीं हो पाता है, उसके वजह से स्पर्म्स वजैना के अंदर डिपॉजिट नहीं हो पाते हैं। चौथा रीज़न होता है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस यानी एंडोमेट्रियम, जो बच्चादानी के सबसे अंदर वाला लेयर होता है, उसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। जब यह एंडोमेट्रियम बच्चादानी के बाहर बढ़ना शुरू हो जाता है तो उस कंडीशन को हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। एंडोमेट्रियोसिस में ओव्यूलेशन होने में या इम्प्लांटेशन होने में दिक्कत आ जाती है, और जब एडवांस एंडोमेट्रियोसिस डिसीज़ होता है उस कंडीशन में फैलोपियन ट्यूब्स का अफेक्शन होके ट्यूब्स ब्लॉक होने की संभावना होती है। उसके अलावा अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, यानी जब सभी कुछ टेस्ट नॉर्मल होने के बावजूद भी कपल्स में प्रेगनेंसी नहीं रह पाती है तो उसे हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहते हैं। ट्यूबल फैक्टर यानी फैलोपियन ट्यूब्स, जिसमें फर्टिलाइजेशन होता है यानी अंडा और स्पर्म का मिलाप फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। सिंपल से बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लेकर ट्यूबरक्यूलोसिस तक के सीरियस इन्फेक्शन या फिर महिलाओं में पहले कोई सर्जरी हुई हो तो वो सिचुएशन में ट्यूब्स का नुकसान होने के बाद कभी कभी इनफर्टिलिटी हो जाती है। यूट्रस यानी बच्चादानी में अगर कोई फाइब्रॉइड, पॉलिप या फिर कंजेनेटल मॉलफॉर्मेशन यानी जन्म के समय से ही बच्चादानी पूर्ण तरह से विकसित ना होने के कारण इनफर्टिलिटी हो सकती है। कुछ महिलाओं में इनफर्टिलिटी यानी बांझपन होने की रिस्क बढ़ जाती है, जैसे कि बढ़ती हुई उम्र, उसके साथ स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग के कारण ओवेरियन रिजर्व में कमी आ जाती है। अल्कोहल का सेवन करने वाली महिलाओं में फर्टिलिटी पोटेंशियल लो होता है। कुछ महिलाओं में जैसे कि उनका BMI अगर बहुत ज़्यादा लो है या अगर बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है तो उनमें ओव्यूलेशन के इश्यूज पाए जाते हैं। जो महिलाओं में इरेगुलर साइकिल्स होती है, जैसे कि उनकी माहवारी 21 दिन के पहले या 35 दिन के आगे आती है, उनमें ओव्यूलेशन होने की संभावना कम रहती है। कुछ स्टडी में यह भी पाया गया है जो पेशेंट्स में अच्छी सी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी प्रेगनेंसी रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, उन पेशेंट में स्ट्रेस फैक्टर पाया जाता है। बांझपन का डायग्नोसिस करने के लिए कुछ टेस्ट्स होते हैं, जैसे कि सबसे बेसिक टेस्ट होती है सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में हम बच्चादानी का साइज, शेप
उसके साथ में फैलोपियन ट्यूब्स एंड ओवरी में अगर कोई डिसीज़ है तो उसका पता लगा सकते हैं। साथ ही में जो बच्चादानी के अंदर वाला एंडोमेट्रियम लेयर होता है उसका मॉनिटरिंग करके इम्प्लांटेशन के लिए किस तरह से एंडोमेट्रियम रेडी हो रहा है उसकी भी जानकारी जुटा सकते हैं। दूसरा टेस्ट होता है ओव्यूलेशन का, जिसमें महिलाएँ घर पर ही ओव्यूलेशन का टेस्ट कर सकती है। एक पहला वाला जो है उसमें बेसल बॉडी टेम्परेचर मॉनिटरिंग कर सकते हैं, या फिर दूसरा टेस्ट होता है जिसमें ओव्यूलेशन प्रिडिक्टर किट्स का यूज़ करते हैं, जो हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं घर पे, उसी तरह से LH हार्मोन यूरिन में उसकी मात्रा टेस्ट करके महिलाएं घर पर भी पता लगा सकती है ओव्यूलेशन कब हो रहा है उसके बारे में। उसके सिवाय ब्लड टेस्ट में हम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा से या फॉलिकल सोनोग्राफी करके हम ओव्यूलेशन की एग्जैक्ट डेट का भी पता लगा सकते हैं। तीसरा टेस्ट होता है ओवेरियन रिजर्व। ओवेरियन रिजर्व टेस्टिंग के लिए सोनोग्राफी की मदद से हम अंडों की संख्या मेजर कर सकते हैं, जिसे हम एंट्रल फॉलिकल काउंट कहते हैं। उसके सिवाय महिला के ब्लड में एंटी मुलेरियन हार्मोन की मात्रा और महावारी के दूसरे दिन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की मात्रा से हम ओवेरियन कैपेसिटी का अनुमान लगा सकते हैं। चौथी टेस्ट होती है जिससे हम हिस्टेरोसल्फिंगोग्राफी या सोनोसल्फिंगोग्राफी कहते हैं। हिस्टेरोसल्फिंगोग्राफी में हम एक्सरे डाई और सोनोसल्फिंगोग्राफी में हम नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल करके ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट कर सकते हैं। पांचवी और बहुत ज़रूरी टेस्ट होती है जिसमें हम डायग्नोसिस के साथ साथ ट्रीटमेंट भी करते हैं, जिसे हम हिस्टोस्कोपी एंड लैप्रोस्कोपी कहते हैं। हिस्टोस्कोपी दो टाइप की होती है, ऑफिस हिस्टोस्कोपी जिसमें 2.9 मिलीमीटर का छोटा सा टेलीस्कोप बच्चादानी के अंदर हम इंट्रोड्यूस करके वहाँ पर कोई डिसीज़ जैसे कि पॉलीप, फाइब्रॉइड, सेप्टम या फिर एडेजन हो तो उसको डिटेक्ट करके उसी सेटिंग में हम उसको ट्रीट भी कर सकते हैं। जब बच्चादानी के चेकअप के लिए हम हिस्टोस्कोपी के साथ लैप्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं, उसे हम फर्टिलिटी एनहांसिंग सर्जरी कहते हैं। वह सर्जरी एनेस्थीसिया के अंदर की जाती है, उसमें हम नाभि के यहाँ से 5 मिलीमीटर का छोटा सा टेलीस्कोप इंसर्ट करने के बाद बच्चादानी, अंडादानी और फैलोपियन ट्यूब्स का एग्जामिनेशन करके वहाँ पर कोई अगर डिसीज है तो उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। हिस्टेरोलैप्रोस्कोपी की सहायता से हम ब्लॉक्स ट्यूब भी ओपन कर सकते हैं। इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, हर एक कपल का रीज़न अलग होता है, उसके कारण हमें हर पेशेंट के लिए अलग से ट्रीटमेंट प्लान बनाना पड़ता है, जिसमें कपल का शारीरिक और मानसिक तैयारी के साथ साथ उनका समय और पैसा भी खर्च होता है। ट्रीटमेंट मेनली कारणों के ऊपर निर्भर करती है, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस हो, फाइब्रॉइड्स हो या हार्मोन का इम्बैलेंस हो, यह कंडीशन दुरुस्त करने से ही प्रेगनेंसी पॉजिटिव लाई जा सकती है। इसके सिवाय मोटापा या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन पेशेंट्स में वेट रिडक्शन करने से ही पॉजिटिव प्रेगनेंसी रिजल्ट्स लाया जा सकता है। स्मोकिंग और अल्कोहल का सेवन करने वाली महिलाओं में तुरंत स्मोकिंग और अल्कोहल का सेवन रोक देना चाहिए। लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज एंड हेल्दी डाइट की मदद से स्ट्रेस लेवल में कमी लाई जा सकती है। अगर सभी टेस्ट नॉर्मल है और मानो महिला की उम्र 30 साल से कम है तो उस कपल्स के लिए हम उन्हें काउंसलिंग करके ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन, फर्टाइल पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन देके नेचुरल कंसेप्शन या नेचुरल प्रेगनेंसी प्लान करने की सलाह दे सकते हैं। अगर महिला की उम्र 30 साल के ऊपर है और बाकी ब्लड टेस्ट या सारे टेस्ट नॉर्मल है तो उनमें उन महिलाओं को या उस कपल को हम ओव्यूलेशन स्टिमुलेशन के ड्रग्स दे सकते हैं, जिसके कारण अंडा बनने में मदद होती है और उसकी मॉनिटरिंग करने के साथ साथ शुरुआती दिनों में हम उन्हें शारीरिक संबंध कब बनाने हैं उसके बारे में बता सकते हैं। और जब इसके बाद भी प्रेगनेंसी नहीं होती है तो अगली स्टेप में हम पेशेंट को IUI ओव्यूलेशन इंडक्शन के साथ मॉनिटरिंग करने के बावजूद IUI की ट्रीटमेंट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। IUI मतलब इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, जिसमें हस्बैंड का सीमेन लेके हम उसमें से अच्छे से स्पर्म सिलेक्ट करके उनको बच्चादानी के अंदर डिपॉजिट कर देते हैं, जिससे कि प्रेगनेंसी रहने में आसानी हो जाती है। जब IUI का विकल्प काम नहीं करता है तो हमारे पास एक अंतिम विकल्प होता है, जिसे हम IVF कहते हैं। IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें हम अंडा और स्पर्म का लेबोरेटरी में फर्टिलाइजेशन कराते हैं, उसके कारण उसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। इस तरह से हम फर्टाइल महिलाओं को ट्रीटमेंट की मदद से माँ बनने की सर्वोच्च खुशी के साथ बच्चा ना होने के कारण लगने वाला अधूरा सा जीवन
पूरा करने का सौभाग्य प्राप्त करा सकते हैं।